फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन करी। आइए मैं आपको इसकी सामग्री शेयर करती हूँ। ये है आधा किलो मटन जो मैंने मैरिनेट किया है। इसमें हल्दी, मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक और दही मिक्स करिए इसमें, और ये मैरिनेट किया है। ये दो टमाटर लिए हैं चॉप करके, ये तीन बड़े प्याज लिए हैं चॉप करके, पांच से छह हरी मिर्च है चॉप की हुई, और ये साबुत गरम मसाला है, और ये पिसा हुआ गरम मसाला है, और इसमें है सूखा धनिया, रेड चिली और सल्ट। अब ये मैंने दो चमचे तेल इसमें डाल लिया है, दो चमचे तेल मैंने इसमें डाल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डालेंगे साबुत गरम मसाले। इनको थोड़ा लाल हो जाने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें ये चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, प्याज लहसुन का। अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर, लाल होने तक इसको भी पकाएंगे। ये प्याज रेडी सो चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, डाल के चलाएंगे इनको। फिर इसमें इसके बाद देखिए हरी मिर्च भुन गई है, हरी मिर्च भी ठीक हो गई है। अब हम जो टमाटर काट के रखा था अब वो डालेंगे, फिर इसको चलाएंगे। एक चम्मच धनिया डालेंगे, डेढ़ चम्मच, एक चम्मच रेड मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हम इसको चलाएंगे। फिर थोड़ा मसाला पकने के लिए इसमें पानी डालेंगे। मसाला तैयार हो चुका है, पांच मिनट हो चुके हैं इस मसाले को पकते पकते। मसाला अच्छे से पक गया है, देखिए, देख भी सकते हैं आप। और हमने हल्दी इसमें इसलिए डाली थी क्योंकि मैरिनेट करते समय इसमें हमने हल्दी डाल रखी थी। अब हम मटन डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको 10-15 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। अब मसाले अच्छे से भुन चुका है मसाले में ये, और मटन ने मसाला पकड़ लिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 ग्लास पानी डालूंगी। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है।
अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। चार पांच सीटी लग चुकी है इसमें, अब हम इसे ढक्कन खोल के देख लेते हैं ये बना है या नहीं। ये देखिए कैसे आराम से टूट रहा है, सही तो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला जो दिया था वो गरम मसाला डालेंगे। ये हरा धनिया रखा था हमने काट के, इसको डालेंगे। अब चला देंगे, अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए